went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. पहेली और बूजो एक बार अपने अंकल की शादी में गए, मतलब अंकल के घर में गए और उनकी गर्मियों की छुट्टियां थी, तो उनके जो अंकल थे वो एक फार्मर थे, एक किसान थे। तो एक दिन उन्होंने उनके फील्ड में कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे बूजो बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that energy of the food is utilized by organisms from carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. Since we all need food, यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये वही है जो हमने सेवंथ में पढ़ा था और उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो बूजो पूछ रहा है कि अगर सबको फूड चाहिए तो अपनी कंट्री में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो इतने लार्ज नंबर को हम फूड कैसे देते हैं। तो यहाँ पे पहेली कह रही है फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि फूड को मास प्रोडक्शन करना होता है, यानी कि बहुत सारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। और लार्ज पॉपुलेशन को खाना देने के लिए अच्छे से प्रोडक्शन होना और उसका मैनेजमेंट ढंग से होना और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेसेसरी होता है। फिर हम आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। स्टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर का आविष्कार कैसे हुआ। इसमें बता रखा है कि 10,000 BC यानी बिफोर कॉमन एरा पीपल वर नोमैडिक, पीपल जो थे वो नोमैड्स में रहते थे, ग्रुप में रहते थे और वो इधर उधर फिरते रहते थे और खाना और शेल्टर ढूंढते रहते थे। और वो पहले कच्चे फल सब्जियां खाते थे और फिर उन्होंने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पौधे या फिर क्रॉप्स उगाना सीख लिए और वो राइस, वीट और अदर क्रॉप्स उगाने लग गए और इसी तरह एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप, यानी कि जब जैसे सेम काइंड के प्लांट्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 meter square का एक खेत है और उसमें मैं केवल वीट उगा रहा हूँ या फिर केवल मेज उगा रहा हूँ या फिर केवल वो उगा रहा हूँ कॉर्न उगा रहा हूँ, तो उसको मैं 100 meter square के एरिया में उगा रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारा वो क्रॉप आएगी, वो ग्रेन आएगा जो मैं उगा रहा हूँ। तो उस पूरे फार्म को जो वहाँ पे प्लांट्स उग रहे हैं इतने सारे 100 meter square में, उस पूरे को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, जो मैंने अभी बताया आपको। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप्स में ये दालें भी आ जाती है और वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं। और क्रॉप्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके सीजन में, जैसे कि वीट किस सीजन में उगता है उसके हिसाब से वो अलग कैटेगरी में जाएगा, बाजरा किस सीजन में उगता है, मूंगफली किस सीजन में उगती है, वो अगले पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनादर। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। और अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसकी वजह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग प्लांट्स यानी क्रॉप्स उगाए जाते हैं।
डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इस डाइवर्सिटी को से हटके दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स है, यानी कि दो टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. तो पहले हम खरीफ क्रॉप्स का देखते हैं. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. तो जो क्रॉप्स वो रेनी सीजन में उगाते हैं, और रेनी सीजन कब से कब होता है? जून टू सेप्टेम्बर. इंडिया में रेनी सीजन जून से सेप्टेम्बर तक होता है, और उस सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. और खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, इसलिए खरीफ क्रॉप्स हैं. फिर है रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. विंटर सीजन कब से रहते कब तक रहता है? अक्टूबर से मार्च तक विंटर सीजन रहता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. और इस सीजन अक्टूबर टू मार्च वाले सीजन में जो क्रॉप्स उगती है उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं. और रबी क्रॉप्स के ये एग्जाम्पल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. बिसाइड्स दीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. इसके अलावा जो दालें और वेजिटेबल होती है वो अलग अलग जगहों पर समर में भी उगाई जाती है. फिर हम आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पे. व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, ये पूछ रहा है. व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, क्योंकि पैडी जो है, धान जो होती है, चावल, वो विंटर सीजन में इसलिए नहीं उगाई जा सकती क्योंकि विंटर सीजन में इनफ रेनफॉल नहीं होती. और रेनी सीजन में पैडी इसलिए उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वाटर चाहिए होता है उसको, पैडी को, जैसा कि यह पहेली बोल रही है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं, जब फार्मर्स क्रॉप्स को उगाते हैं तो कुछ एक्टिविटीज करते हैं. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. अब ये वही एक्टिविटीज करते हैं जैसे आप एक गमले में फॉर एग्जाम्पल रोज का पौधा उगा रहे हो, तो उसकी जो आप केयर करोगे वो फार्मर्स जो क्रॉप्स की केयर करते हैं उससे सिमिलर होगी. दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. यानी कि जो प्रैक्टिसेस आप करते हो, जैसे खाद बनाना, पानी देना और ये कीड़े मकोड़ों से बचाना, ये सब क्या होती है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है जो कि फार्मर्स भी यूज करते हैं. और आप कोई पौधा उगाओगे तो आप भी करोगे और गार्डनर भी करेगा. और जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे लिखी हुई है सारी. टोटल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है 7. पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है सोइंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज. अब इसमें जो पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो हम उसको देख लेते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. आप जब क्रॉप उगाते हो उससे पहले का जो फर्स्ट स्टेप है उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं, और ये एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है. अब उगाने से पहले आप सॉइल को टर्न कर देते हो. टर्न क्यों करते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स नीचे दबे हुए हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उसको लूज करते हो प्रॉपर एरिएशन के लिए. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. और अगर आप टर्न और लूजन करते हो तो जो प्लांट होगा, जो रूट उगेगा, वो डीप अंदर जाएगा सॉइल के. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली. जैसा मैंने बताया था एरिएशन प्रॉपर हो जाता है. लूज सॉइल में क्या है, आप अच्छे से सांस आ जाती है पौधों को. इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? क्योंकि जो लूज सॉइल होती है उसमें एयर स्पेसिस ज्यादा होते हैं, उसमें पार्टिकल्स के अंदर गैप होता है जिनसे एयर पास हो जाती है. The loosened soil helps in the growth of earthworms. और जो loosened soil होती है उसमें earthworms जो होते हैं वो भी grow करते हैं और microbes भी grow करते हैं. और ये जो organisms होते हैं ये farmers के friends होते हैं क्योंकि ये उसमें humus भी डाल देते हैं. Humus क्या होती है? उनका जो excretion निकालते हैं वो. अब जो ये है earthworm, ये क्या खाता है? ये मिट्टी खाता है. और वो जो excrete करता है उसको humus कहते हैं, और वो ह्यूमस बहुत फायदेमंद होता है सॉइल के लिए. तो इसलिए ये जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं. यू हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. अब आपने सेवंथ में पढ़ा होगा कि सॉइल में जो है वो मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, हवा होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसके अलावा मरे हुए पौधे होते हैं और जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका जो सब कुछ होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के वो वापस सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल से वो प्लांट्स में चले जाते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स. जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सॉइल को टर्न करेंगे तो नीचे के जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी वो ऊपर की साइड आ जाएगी. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. अब जो हम लूजनिंग करते हैं या फिर टर्निंग करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. इसको हम प्लो की प्लो से यूज करते हैं. प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. अब जब सॉइल एकदम सूखी होगी तो उसमें प्लो घुसेगा नहीं, तो प्लो को यूज करने से पहले उसको पानी भी देना पड़ सकता है अगर सॉइल बहुत ड्राई हो तो. द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. अब जब आप प्लो करोगे तो उसमें मिट्टी के मोटे मोटे डले बन जाएंगे और इन डलों को तोड़ना बहुत जरूरी है. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. अब अगर आप उस फील्ड को पूरा लेवल कर दो, एकदम प्लेन कर दो, तो ये सोइंग के लिए भी अच्छा होगा और इरीगेशन के लिए भी अच्छा होगा. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. लेवलर जो होता है उससे हम लेवलिंग कर देते हैं, पूरा सॉइल को प्लेन कर देते हैं, जिससे सोइंग और इरीगेशन अच्छे से हो जाता है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. और कभी कभी क्या होता है, मैन्योर जो होता है, मैन्योर यानी खाद, वो टिलिंग से पहले डाल दी जाती है और वो क्या हेल्प करता है, वो पूरा सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है मैन्योर टिलिंग से पहले. द सॉइल इज मॉइस्टर्ड बिफोर सोइंग. और सोइंग करने से पहले सॉइल को एक बार वापस मॉइस्ट कर दिया जाता है. तो गाइस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले एपिसोड में हम इसके आगे का पढ़ेंगे. और तब तक के लिए गुड बाय. और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना.